बॉलीवुड के ही मैन यानी एक्टर धर्मेंद्र अपने दौर में न सिर्फ एक्टिंग के लिए जाने जाते थे, बल्कि एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी काफी चर्चा में रहे हैं। पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी तो रचाई ही, साथ ही उनका अफेयर मीना कुमारी और अनीता राज से भी रहा। अपने दौर के सुपरस्टार धर्मेंद्र अपनी आशिक मिजाजी के लिए भी काफी फेमस रहे। फिल्मों के सेट पर उनकी आशिक मिजाजी के कई किस्से हैं। धर्मेंद्र फिल्म के सेट पर हीरोइनों के साथ खूब फ्लर्ट किया करते थे, लेकिन एक बार उन्हें एक एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करना काफी भारी पड़ा था। इतना भारी कि उन्हें थप्पड़ तक खाना पड़ा था। जी हाँ, धर्मेंद्र को अपनी आशिक मिजाजी के लिए बॉलीवुड की उन दिनों की फेमस अदाकारा तनुजा से थप्पड़ खाना पड़ा था। दरअसल उन दिनों तनुजा बॉलीवुड की मशहूर अदाकाराओं में से एक थी। इतना ही नहीं, वो धर्मेंद्र और उनकी दोनों पत्नियों के भी काफी करीब रही हैं। आज भी हेमा मालिनी तो उनकी खास दोस्तों में शुमार है। लेकिन ये किस्सा है साल 1965 का। तब धर्मेंद्र शादीशुदा थे। तनुजा और धर्मेंद्र फिल्म चांद और सूरज की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान तनुजा और धर्मेंद्र ने फिल्म की शूटिंग के दौरान खूब मजे किए थे, दोस्तों के साथ गपशप भी करते थे। तनुजा ने बताया था कि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से भी उन्हें मिलवाया था और उस वक्त उनके बेटे सनी देओल महज 5 साल के थे, जबकि उनकी बेटी लाली मुश्किल से 6 महीने की थी। तनुजा और धर्मेंद्र भी अक्सर शूटिंग के बाद एक साथ पार्टी किया करते थे। एक बार नशे की हालत में धर्मेंद्र तनुजा के साथ फ्लर्ट करने लगे। बस फिर क्या था, तनुजा को वो बात पसंद नहीं आई और तनुजा ने धर्मेंद्र को गुस्से में थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने धर्मेंद्र से गुस्से में ये भी कहा था कि बेशर्म, मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूँ और तुम मुझसे ही फ्लर्ट कर रहे हो। थप्पड़ खाने के बाद धर्मेंद्र को भी समझ में आ गया कि उनसे गलती हो गई है। धर्मेंद्र ने अपनी गलती सुधारते हुए तनुजा से कहा कि इस गलती का प्रायश्चित मैं तुम्हें बहन बनाकर करता हूँ। तनुजा ने उसी वक्त धर्मेंद्र की कलाई पर एक धागा बांधा और उन्हें भाई बना लिया था। इस पूरी घटना का जिक्र तनुजा ने खुद एक इंटरव्यू में किया है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र और तनुजा ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों में चांद और सूरज, बहारे फिर आएंगी, इज्जत और दो चोर जैसी फिल्में शामिल हैं। आज तक तनुजा और धर्मेंद्र के बीच काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। धर्मेंद्र और तनुजा ने ही नहीं बल्कि इन सितारों के बच्चों ने भी साथ में कई फिल्मों में काम किया है। सनी देओल तो कभी काजोल के साथ नजर नहीं आ सके, लेकिन बॉबी देओल ने फिल्म टैंगो चार्ली में तनुजा की बेटी तनिषा के साथ काम किया था। वहीं फिल्म गुप्त में काजोल उनकी हीरोइन थी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।